हेलो दोस्तों, हम रेखा यादव रेखा सत्यम ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सत्यम और हम सब कोई घर भर के नहा धोवा के नीप पोत के एकदम रेडी है, क्योंकि कल ग्रहण लगा था। तो कल तो सभी लोग वीडियो बनाए कि आज ग्रहण लगने वाला है, लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं कि ग्रहण अब ख़त्म हो गया, आप लोग भी नहा धोवा के खा पी लीजिए। और दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट बात करना है आप लोगों से कि हम आज 2 साल पर जा रहे हैं कपड़ा सिलने। बड़ा मन कर रहा है 2 साल के बाद कपड़ा सिलने, वो भी मेरी भाभी का ब्लाउज है और डिजाइन वाला सीना है। तो जा रहे हैं, उसको उड़ेहते हैं कि अच्छा सिलाता है, तो आप लोगों को दिखाएंगे। उसको काट छाट दिए है, उड़ेह दिए है, अब उसको बनाना है, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि 2 साल बाद हम जा रहे हैं कपड़ा सिलने। तो आप लोग जुड़े रहिए, बताते हैं। चालू हो गए, सफा हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फीता गूथ गूथ के बना रहे हैं, और एक गूथ लिए यहाँ पर फीता, पीछे फीता वाला है, और इसमें गूथ रहे हैं। उसके बाद सजाएंगे और बनाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को दिखाएंगे। और हम 2 साल बाद कपड़ा सिलने चले हैं, आप लोग को पता ही है, पहले नहीं कपड़ा सिलते थे क्योंकि अभी भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मजबूरी है, पवनी आ गया है और कपड़ा तो सिलना पड़ेगा पहनने के लिए, तो इसीलिए सिल रहे हैं। और सत्यम भी बहुत परेशान कर रहा है, सत्यम भी नहीं सिलने देता है, इसीलिए हम कपड़ा सिलना बंद कर दिए थे, लेकिन अब चालू करेंगे। हाँ, ठीक से आ गया। दोस्तों देखिए, आज यही ब्लाउज सी के तैयार किए हैं, और ये वाला है पीछे का हिस्सा जो ये लगा कर सिए है, पाइप ऐसे रहेगा और इसमें भी पाइप जोड़ाएगा। और ये है बाही, ये आगे का हिस्सा है, ऐसे पहना जाएगा। और ये वाला है बाही, आप लोग देख सकते हैं, ये चून वाली बाही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे सिलाया है, अभी तो पूरी तरह से तैयार नहीं है, सत्यम परेशान करने लगा है तो छोड़ दिए हैं। अभी इसमें फीता बना के लगाना है, ये वाला को यहाँ पर ये सब सी के टच करना है, उसके बाद में इधर फीता लगेगा तो पूरे तैयार भी हो जाएगा, तो आप लोग को बताएंगे। लेकिन आज का देखिए, मेरे को ये बाही बड़ी झकास लग रहा है, देखिए तो दोस्तों देखिए, सत्यम यहाँ पर खेल रहा है, सत्यम वीडियो बनाए बा, आ रहा है उधर से, हाय कला, हाय 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 हाय, हेलो कला। अरे दोस्तों कैसन है, हेलो दोस्तों कैसन है, कहना दो, हेलो दोस्तों कैसन है, ठीक है। हम बहुत मम्मी को परेशान करते हैं, काहे करे बड़ी, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, खाना खा लिए, दिवाली मना लिए, पखेव पी लिए, आप पिए है कि बैल पिया है, तो दोस्तों देखिए, सत्यम इतना बदमाशी करता है कि कोई काम भी नहीं करने देता है, और इसके पीछे पीछे घूमते रहो और भागते रहेगा, गोड़ी लेके खेलता है, बूढ़ा हो जाएगा लेकिन यही गोड़ी लेके खेलता है। उधर लड़का सब खेल रहा है, और ये इधर से देखिएगा, हाँ
दोस्तों देखिए मेरा पड़ेवा का घर, ऊपर मेरा पड़ेवा का घर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पड़ेवा रहता है। देखिए वहाँ पर बैठी है, अंडा बच्चा देती है ये भी। और यहाँ पर देखिए सत्यम फिर यहाँ पर आ गया, कहीं भी मेरा पीछा ये नहीं छोड़ता है, फिर यहाँ पर आ गया। और भिंडी तो रहा है सत्यम, भिंडी के का बनी, पोखरे में जाता है। भिंडी के का बनी, पोखरे में जाता है। पोखरा में जाते कोई नहीं। देखिए दोस्तों सारा भिंडी को तोड़ तोड़ के बिक देगा। देखिए और दोस्तों ये तो मेरी धान की खेती है, वहाँ पर तीन तार लग रहा है, वो भी मेरा ही है। पर अब धान का सीजन ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ये धान फूटा नहीं और फरा नहीं, तो इसका क्या होगा भगवान जाने। और माल के भी खाने लायक नहीं हुआ, तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। धान का खेती करना बेकार है, यहाँ पर करके लोग पछता रहे हैं। और किसी किसी को अच्छा खासा हो भी गया है। तो दोस्तों देखिए सत्यम तो इधर बाबा धान में है। सत्यम सत्यम इधर आ जा, अभी अपने पापा से बात किया है इसलिए बहुत खुश है। सत्यम देखिए पड़ेवा को बोल रहा है, वो पड़ेवा चुप। सत्यम सत्यम आजा, दोस्तों सत्यम नहीं आएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।